तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल के बारे में। यह आपको मार्केट में अलग अलग कंपनी के मिल जाते हैं और आजकल जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं सभी को डॉक्टर लगभग ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं और जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं है उनमें भी ये दी जाती है तो वो कब देते हैं और इसके क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी क्या डोज रहती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, जैसे कि सस्टेन, एंडोजेस्ट, मैकजेस्ट, लूपीजेस्ट और भी बहुत सारी कंपनियों की ये आपको मार्केट में मिल जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में पाए जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन और मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी महिला में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए तो उसका प्रेग्नेंट होना मुश्किल होता है। इसके अलावा यदि प्रेग्नेंट होने के बाद प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए तो महिला का गर्भपात हो सकता है। तो दोस्तों इस कैप्सूल का यूज इरेगुलर पीरियड की कंडीशन में किया जाता है। जिनको भी टाइम से पीरियड नहीं आते हैं उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेकेंड जो इसका यूज किया जाता है वह है फीमेल इनफर्टिलिटी में, जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन होता है जो कि ओव्यूलेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए उस टाइम पे भी इसको दिया जाता है जब इनफर्टिलिटी का केस हो। थर्ड जो इसका यूज है वो किया जाता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो गर्भपात जैसी समस्याएं हो सकती है और इसका यूज प्री टर्म बर्थ को रोकने के लिए भी किया जाता है। मतलब समय से पहले बेबी ना हो उसके लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। फोर्थ जो इसका यूज है वो होता है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। गर्भ धारण करने के बाद गर्भाशय में यह हार्मोन भ्रूण के विकास के लिए सहायक वातावरण तैयार करता है। और दोस्तों जो फिफ्थ इसका यूज होता है वो होता है यूट्रस कैंसर से बचाव में इसका यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसे क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन करते समय दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कब्ज की दिक्कत हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, सीने में जलन हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है और लगातार ज्यादा टाइम के लिए एक दो दिन के लिए देखने को मिलता है तो आप डॉक्टर से अवश्य कॉन्टेक्ट करें। तो अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी जो डोज होती है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रहती है, तो जैसा भी आपको डॉक्टर बताते हैं लेने को आप उसी हिसाब से लीजिए। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।